प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में पुरुषों के लिए कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमेशा उन्हें दुख देती हैं। दोस्तों, जिन लोगों के साथ ये बातें होती हैं वो जीवन में निराश हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ऐसी कौन सी बातें हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, उम्र और पद में छोटे इंसान से अपमान। दोस्तों, आमतौर पर किसी बड़े व्यक्ति द्वारा कही गई अपमानजनक बातें तो सहन हो सकती हैं, लेकिन उम्र और पद में छोटे इंसान द्वारा कही गई अपमानजनक बातें सहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, किसी भी पुरुष के लिए ये बातें दुख देने वाली होती हैं, और पुरुषों के लिए मान सम्मान का महत्व तो काफी अधिक होता है। अगली बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, पत्नी के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा। दोस्तों, पति पत्नी के बीच छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होना आम बात है, लेकिन घर में कुछ ज्यादा ही कलह होने लगे तो जीवन नरक के समान लगने लगता है। पति पत्नी को एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही कलह की स्थिति ना बने इसके लिए भी अपने स्तर पर प्रयास करते रहना चाहिए। अगली चीज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, असंतुलित भोजन। दोस्तों, जो लोग खान पान में सावधानी नहीं रखते वो लंबे समय तक स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकते। लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए असंतुलित भोजन से बचना चाहिए। असंतुलित भोजन यानी ऐसा खाना जिसे पचाने में पाचन तंत्र को अधिक समय लगता है, अधिक मसालेदार खाना, अधिक तेल घी और मांसाहार आदि से बचें और संतुलित आहार लें। संतुलित भोजन यानी हरी सब्जियां, दूध से बने पकवान और रोटी। अगली बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बुद्धिहीन संतान। दोस्तों, यदि किसी इंसान की संतान बुद्धिहीन यानी मूर्ख है तो ये बात हमेशा दुख देती है। संतान यदि समझदार होती है तो माता पिता दोनों को हमेशा सुख मिलता है। मूर्ख संतान हर रोज कुछ ना कुछ गलत काम करेगी और उसकी वजह से माता पिता को परेशानियां होंगी। संतान को संस्कारी और समझदार बनाने के लिए माता पिता को बचपन से ही उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगली बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बीमारी। दोस्तों, एक पुरानी सी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, यानी सबसे पहला सुख होता है स्वस्थ शरीर। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यदि कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उससे कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, और बीमारी का जब तक उपचार नहीं हो जाता इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। अगली चीज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, धन का अभाव। दोस्तों, सुख सुविधाओं की बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ धन से ही प्राप्त की जा सकती हैं। धन अभाव से घर परिवार में कई बार अशांति फैल जाती है। घर के सभी सदस्यों को सुख देने के लिए धन की आवश्यकता रहती है। भौतिक सुखों को पाने के लिए इंसान मेहनत करता है लेकिन उचित धन प्राप्त नहीं कर पाता तो वो दुखी रहता है। यदि धन की कमी हो तो इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए। जो चीजें हमारे पास हैं उनसे ही संतोष कर लेना चाहिए, और दोस्तों मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे धन की कमी भी दूर हो सकती है। दोस्तों, अगली एक नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्त्री का हृदय पूर्ण नहीं है, वो बटा हुआ है। जब वो एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। चाणक्य जी कहते हैं, ऐसा यहां कौन है जिसे दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई, और क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया। इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया, किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही, किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए, और किस भिखारी को यहां शोहरत मिली, और किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख प्राप्त किए। चाणक्य जी कहते हैं, व्यक्ति को महत्व उसके गुण प्रदान करते हैं। वो जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। दोस्तों, क्या आप एक कौए को गरुड़ कहेंगे यदि वो एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर बैठता है। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वो दुनिया में काबिल माना जाता है, लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हांकता हो वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वो स्वर्ग का राजा इंद्र हो। यदि एक विवेक संपन्न इंसान अपने अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों को आभा के रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने पर और भी अधिक चमकता है। वो इंसान जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक कि उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषण में सजाया ना जाए। चाणक्य जी कहते हैं, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। जो अपनी दौलत
पकवान और औरतें भोगकर संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे बहुत से लोग पहले ही मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में मरेंगे। सभी परोपकार और तप तत्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता। चाणक्य जी कहते हैं, घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है, फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वो डरता है कहीं वो भीख ना मांग ले। चाणक्य जी कहते हैं, बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाएं, क्योंकि मरने में तो एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वो जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।